रेलवे में डिमांड फॉर ग्रांट पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। इस अवसर पर मैं कवि आशीष की लिखी रेलवे पर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। खुशबू माटी की लेकर जब रेल चले कस्बा गांव चले शहर चले और देश चले, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहु दिशा में मेल बढ़े। खुशबू माटी की लेकर जब रेल चले उगता सूरज चढ़ता है और सांझ ढले सो जाता है, पर रेल का पहिया चलता जाता है। गति रेल के पहिए की नव प्रगति की पहचान बने। खुशबू माटी की लेकर के जब रेल चले। माननीय अध्यक्ष जी, रेलों का सुख दुख से बड़ा नाता रिश्ता रहा है। 1893 में नस्ल भेदी अफ्रीका में फर्स्ट क्लास में बैठे गांधी जी को गौरों ने बाहर निकालने को कहा और उन्होंने इनकार कर दिया। पीटर मैरिट्सबर्ग में उन्हें डिब्बे से धकेल दिया गया। आजाद भारत में हमने कभी किसी गौरी चमड़ी वाले को नहीं धकेला, फिर भी हम माननीय अध्यक्ष जी असहिष्णु हैं। गांधी उसके बाद कभी फर्स्ट क्लास में नहीं बैठे, थर्ड क्लास में ही गए। कालांतर में गांधी जी लौट कर उन्होंने अंग्रेजों को भारत से धकेलने का बड़ा प्रयास किया। इयान केर ने अपनी किताब में लिखा है, कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आशुतोष मुखर्जी प्रथम श्रेणी कोच में यात्रा कर रहे थे। ऊपर की बर्थ पर बैठे अंग्रेज ने सोए हुए मुखर्जी की चप्पल बाहर फेंक दी। बाद में मुखर्जी ने अंग्रेज का कोट बाहर फेंक दिया। उठने पर अंग्रेज ने पूछा, मेरा कोट कहाँ है? आशुतोष मुखर्जी जी ने कहा, कोट चप्पल ढूंढने गया है। कालांतर में आशुतोष मुखर्जी के पुत्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने। माननीय अध्यक्ष जी, 17 दिसंबर 1928 की रात भगत सिंह, दुर्गा भाभी, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु लाहौर से कलकत्ता रेल में ही पहुंचे थे। 2 फर्स्ट क्लास के टिकट, 2 थर्ड क्लास के टिकट। ट्रेनों का सफर यह देश कैसे भूल सकता है। 1947 का भारत विभाजन, पलायन का सबसे बड़ा जरिया तो रेल ही बना था। लाशों का ढेर ट्रेनों में ही तो आया था। दुर्भाग्य भारतीय रेलों का कि 40% हिस्सा पाकिस्तान को मिला, 20% आबादी, 30% जमीन और 40% रेल ले गए। नेता मौन थे, आसिफ अली रेल मंत्री थे, खैर छोड़ो। 1881 में इंडियन टी एसोसिएशन ने भारत में चाय प्रचलित करने में रेलों का ही सहारा लिया। 1900 तक भारत में कोई चाय पीने वालों की संख्या लगभग नगण्य थी। आज उत्पादन का 70% चाय हम ही पी जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, रेलों का फिल्मों पर भी बहुत प्रभाव रहा है। इस पर द बर्निंग ट्रेन, शोले, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, फिल्म आशीर्वाद का गाना अशोक कुमार ने फिल्माया, भारतीय मानस पर विशेषकर बच्चों पर उसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव रेलों को लेकर पड़ा। गीत गाया अशोक कुमार ने, छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे का शर्ट पकड़कर जब रेलगाड़ी को बनाते हैं तो रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। आज हम भी अपने मंत्री जी से कहते हैं कि बीच वाले स्टेशन पर रुक 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 रुक। लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। माननीय अध्यक्ष जी, रेलों का बड़ा पुराना इतिहास है। 1843 में कल्पना हुई, असीम प्राकृतिक संसाधन भारत के थे, दोहन ब्रिटेन को करना था। ब्रिटेन समृद्ध होने के लिए अनाज, बहुमूल्य लकड़ियां, मसाले, फल, कोयला, लोहा, तमाम बहुमूल्य सामग्रियां ब्रिटिश निर्यात के लिए शीघ्रता चाहता था। 1844 में प्रस्ताव आया, 49 में कोलकाता मुंबई में योजना बनी और 53 में पहली यात्री ट्रेन मुंबई से ठाणे चली। 1854 में हावड़ा से हुबली, 1856 में चेन्नई से वेसरपुड़ी से बलजार रोड, 1873 में दिल्ली से, 1881 में पहली रेल पहाड़ों पर दार्जिलिंग की दिशा में बढ़ी, 1925 में इलेक्ट्रिक ट्रेन पहली बार बनी, 1943 में कोलकाता हावड़ा ब्रिज बना, 1945 में पहली बार डीजल इंजन आया, देश आजाद हो गया। अध्यक्ष जी, 47 तक से 51 तक क्षेत्रीय रेलों का गठन जैसा अंग्रेज कह गए थे वैसा कर दिया गया, मगर अंग्रेजों के जाने के बाद भारतीय रेलवे में जोन और डिवीजन यह सरकारें भूल चुकी थी। उत्तर पूर्वी रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे, ये अटल जी के नेतृत्व में
सन 2000-2003 के दौरान की और देश को मिलने वाली बहुत बड़ी उपलब्धि है। कौन नकार सकता है भारतीय रेल का बड़ा कदम? सन 2000 में IRCTC प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेन आरक्षण और टिकट लेने का माननीय अध्यक्ष जी शुभारंभ हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कुछ वर्षों के बजट भाषण पढ़े, उसमें विकास, विस्तार, विश्वास, उत्साह, ऊर्जा, संकल्प, निर्णय, आशा, साहस, सूझबूझ, भविष्य, खुशियां, लगन, प्रेरणा, कामना, विकल्प, विचार, प्रक्रिया, पद्धति, वादे, इरादे, योजना, सुविधा, क्षमता, बदलाव, सुधार, प्रगति, सेवा, तैयारियां, अमल, कायाकल्प ढूंढने की कोशिश की, मगर अध्यक्ष जी 14 मार्च 2012 के बजट भाषण में मुझे निराशा हाथ लगी। बजट भाषण में मंत्री जी श्री दिनेश त्रिवेदी जी कहते हैं, कंधे झुक गए कमर लचक गई, कंधे झुक गए कमर लचक गई, बोझ उठा उठा कर बेचारी रेल थक गई, रेल को नई दवा और नया असर चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये देश कितनी निराशा में था, मगर जिन लोगों के हाथ में सरकार थी वो निराश नहीं थे और उन्होंने कैसा असर नया चाहिए जब मंत्री जी ने कहा तो अगले वर्ष मंत्री जी बदल दिए गए और नया असर देने के लिए नए रेल मंत्री देश में लाए गए। श्री पवन बंसल जी 26 फरवरी 2013 को नया बजट पेश किया। मैं सोच रहा था निराशा से आशा की ओर, शायद इनके नेतृत्व में रेलवे चला जाए, मगर दुर्भाग्य, सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख श्री मुलायम सिंह जी ने कहा, आज जो बजट पेश किया गया वो जन विरोधी है। यूपीए सरकार जिस तरह जनता की कमर तोड़ रही है उसका जवाब जनता जरूर देगी। और थोड़े ही दिनों बाद माननीय मंत्री जी CBI सिंगला 3 मई चंडीगढ़, खैर छोड़ो, निराशा ही तो हाथ लगी। हाय निराशा, घोर निराशा, ट्रेनें समय पर नहीं चलती है, सफाई समुचित नहीं होती है, लोग घर जाने की जल्दी में गुनगुनाते हैं, घर जाने की बहुत बेकरारी है, घर जाने की बहुत बेकरारी है, पर हो रही देरी क्योंकि ट्रेन सरकारी है। माननीय अध्यक्ष जी, देश निराशा से निकला। साल 2014 में सदानंद गौड़ा आए, सुरेश प्रभु जी आए और हमारे पीयूष गोयल जी इस संदेश के साथ, सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सके तो चलो, सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। और ये चलने का इरादा भारत की रेल को नया रूप दे गया, मेरे संसदीय क्षेत्र को विशेष दर्जा दे गया। मध्य प्रदेश ने अपने इतिहास में पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्यार एवं पीयूष गोयल जी का दुलार देखा। सन 2009 से 2014 तक माननीय अध्यक्ष जी 632 करोड़ की तुलना में 2014 से 2019 तक 4205 करोड़, अर्थात 565% की वृद्धि, कमाल है। और शेष देश में आज हम गर्व से कह सकते हैं कि 50% पदों पर महिला कांस्टेबल सर कांस्टेबल की भर्तियों का आरक्षण में निर्णय लिया। पहले RPF में 2.25% महिलाएं है। भर्तियों के निर्णय, जेव शौचालय, देश में सभी रेलवे स्टेशनों पर 100% LED, दिव्यांगजनों हेतु 30% रेलवे स्टेशनों पर रैंप व अवरोध मुक्त प्रवेश, निर्भया फंड, पर्यावरण की चिंता, पूर्वोत्तर का विकास, सिग्नल प्रणाली में सुधार, डीजल की बचत, गेज परिवर्तन, स्वच्छता पर ध्यान, रेल दुर्घटनाओं में कमी, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, ट्रेनों की संख्या में वृद्धि, राजस्व में वृद्धि, माल ढुलाई में वृद्धि। माननीय अध्यक्ष जी, हम देखते हैं कि विश्वास और विकास कैसे होता है। जब सुरक्षा के रिकॉर्ड को देखते हैं तो रेलवे 18-19 में अब तक के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड से नवाजा जाना चाहिए। 2013-14 में जहां 152 दुर्घटनाएं होती, इसमें मृत्यु होती थी, वहां 2018-19 में 29 पर आकर ठहरे हैं। इनोवेट इंडिया के दर्शन वाराणसी में हम कर सकते हैं, जहां डीजल लोको का बिजली के लोको में परिवर्तन हुआ है। चितरंजन लोको जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, 402 इंजन का निर्माण करके विश्व में इंजनों का सबसे बड़ा निर्माता बनकर खड़ा है।
साहस कैसा माननीय अध्यक्ष जी, बोगीवाल का पुल सबसे लंबा पुल निर्धारित समय से पहले रेल सह सड़क पुल अरुणाचल प्रदेश को शेष भारत से जोड़ रहा है। संकल्प कैसा माननीय अध्यक्ष जी, ब्रॉडगेज नेटवर्क पर सभी मानव रहित रेल फाटक समाप्त करने का निर्णय। कार्य की प्रक्रिया कैसी, 2014 में कुल बनने वाले आरओबी रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज, मैंने जब प्रश्न के उत्तर में देखे थे तो लगभग 26,000 से अधिक बनने बाकी थे। सन 2009 से 2014 तक मानव रहित 1137 फाटकें बंद हुई, मगर 2018-19 अकेले एक वर्ष में 3479 फाटकें समाप्त हुई है। माननीय मंत्रियों के प्रयास से 1220 रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज 2014 से 19 के वर्षों में निर्माण हुए। अकेले मेरे संसदीय क्षेत्र मंदसौर नीमच जावरा में 45 से अधिक रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज स्वीकृत हुए हैं और निर्माण पूर्ण हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, 2009 से 2014 में कुल पूंजीगत व्यय 2.3 लाख करोड़ की तुलना में 2014 से 2019 में पूंजीगत व्यय में उत्साहजनक वृद्धि थी, लगभग 5.15 लाख करोड़। क्षमता वृद्धि को कबल रेल लाइनों की कमीशनिंग तेज हुई, 2009 से 2014 की तुलना में 2014 से 2018 में 6.53 किलोमीटर नई लाइन व दोहरीकरण में वृद्धि हुई है। 2019-20 में 15 किलोमीटर पर डे के लक्ष्य के साथ माननीय अध्यक्ष जी 1895 में पहला लोकोमोटिव अजमेर में राजपूताना मालवा रेलवे के लिए बनवाया गया, मगर मेरे क्षेत्र में कांग्रेस शासन में विकास नहीं आया। विकास या तो अंग्रेजों ने किया या भारतीय जनता पार्टी ने, हाँ कृषकों के बीच आंदोलन करके भड़काने के जरूर काम करने के लिए ये लोग उधर आए थे, मगर दोहरीकरण की पटरी लेकर नहीं आए। माननीय मंत्री जी, आपने नई लाइन नीमच से बड़ी सादड़ी लगभग 500 करोड़ रुपए की घोषित किया है। दोहरीकरण चित्तौड़ से नीमच लगभग 260 करोड़, नीमच से रतलाम के लिए लगभग 960 करोड़ रुपए आपने मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए घोषित किया है। माननीय अध्यक्ष जी, कैसा विकास देश में भारत को जोड़ती जिंदगियों को जोड़ता हुआ, हम पूर्वोत्तर में भी और तेजी से रेलवे का विकास देख रहे हैं। न्यू इंडिया बनने की गति हम महसूस कर रहे हैं कि दिल्ली से वाराणसी के मध्य पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन और तैयार होकर आई है। भारत में दिल्ली वाराणसी के बीच चलने वाली सबसे तेज ट्रेन में 35 से 40% तेज है। 130 ट्रेनों का सेट और नया तैयार हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से कि मेरे संसदीय क्षेत्र का और पश्चिम रेलवे का रतलाम से चित्तौड़ का ट्रैक सेमी हाई स्पीड के लिए टेस्टेड हो चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी और मेरे क्षेत्र में मुंबई से दिल्ली के बीच और हाई स्पीड ट्रेनों को अगर देंगे और शामगढ़ में भी और तो मेरे क्षेत्र में राजस्व वृद्धि होगी। हम जानते हैं अभी कुछ दिनों पहले चर्चा चली थी रायबरेली की, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि रायबरेली में 2014 तक कपूरथला से लाए डिब्बों पर मामूली फिनिशिंग का काम होता था, आज अगस्त 2014 में पहला पूर्ण कोच निर्मित हो रहा है। हम जानते हैं कि हम बचाते रहे दीमक से अपना घर, हम बचाते रहे दीमक से अपना घर, पर कुर्सियों के चंद कीड़े सारा मुल्क खा गए, पर कुर्सियों के चंद कीड़े सारा मुल्क खा गए। माननीय अध्यक्ष जी, कैसी ऊर्जाओं से भरा आज देश काम कर रहा है। 1925 में विद्युतीकरण होना प्रारंभ हुआ था, पहली ट्रेन बॉम्बे से कुर्ला के बीच, मगर दुर्भाग्य है कि इस बीच और उतनी तेजी नहीं आई। मगर आज हम देख रहे हैं कि कैसा संकल्प है, 2021-22 तक भारतीय रेलवे ब्रॉड गेज रूटों पर 100% विद्युतीकृत होगा और उसका सबसे बड़ा फायदा मेरे संसदीय क्षेत्र के पश्चिम रेलवे के ट्रैक पर लगभग 300 करोड़ की लागत से रतलाम चित्तौड़ विद्युतीकरण पूर्ण होने के लगभग खड़ा है। शुभारंभ के लिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के हाथों शुभारंभ हो। हम जानते हैं कि आधुनिक सिग्नल पद्धति का विकास हुआ है, क्षमता और गति भी रेलों की बड़ी है, रूट में भी इजाफा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, हम इस बात को जानते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और संपूर्ण डीएफसी 2020-21 तक पूर्ण होने की आशा है। हमने फ्रेट को बढ़ावा देने के लिए भी देश में काम किया है। मैं माननीय मंत्रियों की इस गतिविधि का समर्थन करता हूं। स्टेशनों के विकास के लिए बहुत तेजी से देश में नए स्वरूप में काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में और हबीबगंज
भोपाल का रेलवे स्टेशन उस श्रृंखला में सम्मिलित है। यात्री सेवाओं की बढ़ोतरी के लिए हम देख रहे हैं कि लिफ्ट और एक्सीलेटर के लिए हमें 2014 में तक 199 थे, आज 603 और एस्केलेटर देश में काम कर रहे हैं। जहां 97 तक लिफ्टें थी, आज 445 लिफ्ट देश में रेलवे में काम कर रही है। अविस्मरणीय यात्राओं का दौर है, यात्री कोचों का अपग्रेडेशन हो रहा है, अंत्योदय ट्रेन आधुनिक सुविधाओं के साथ लंबी दूरी की पूरी अनारक्षित ट्रेनों को चलाने की योजनाओं पर देश काम कर रहा है। आज डिजिटल इंडिया है माननीय अध्यक्ष जी, आज डिजिटल इंडिया का दौर है और डिजिटल रेलें भी बहुत तेजी से काम कर रही है। हाई स्पीड वाईफाई सेवाएं पूरे देश के अधिकांश स्टेशनों पर और तेज गति से पहुंचे इसके लिए काम हो रहा है। लंबी कतारों से राहत मिल रही है, कागज रहित अनारक्षित टिकटिंग की प्रक्रिया आ रही है। हम उस दौर में देखते थे कि हम प्रवासियों के लिए खुशी का सबसे बड़ा पैगाम होता है, हम प्रवासियों के लिए खुशी का सबसे बड़ा पैगाम होता है जब गांव की रेल की रिजर्वेशन लिस्ट में अपना नाम होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं समापन कर रहा हूँ एक स्वच्छता की बात करके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रेलों ने स्वच्छता को सबसे आगे तेजी से बढ़ाया है। 2014 से 2014 के 10 वर्षों के दौरान 9,587 बायो टॉयलेट की तुलना में देश ने 2014 के इन 5 वर्षों में 1,80,000 से अधिक बायो टॉयलेट स्थापित किए हैं। हम देख रहे हैं इस बात को कि आज वेटिंग रूम 97% तक, मेन एंट्री 93% तक, फुट ओवरब्रिज 97% तक, वेंडर एरिया 84% तक, ओपन सिटिंग का एरिया 89%, ड्रिंकिंग वाटर का एरिया 82% तक।